रायबरेली में नशे के खिलाफ जारी अभियान के तहत सीओसीटी के नेतृत्व में शराब और पान सिगरेट की दुकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान सिविल लाइन्स में मॉडल शॉप के भीतर चल रहे बार के भीतर पुलिस ने गहन जांच की। पुलिस ने शराब पी रहे ग्राहकों की आईडी चेक करने के साथ बार का लाइसेंस भी चेक किया। इस दौरान बार के भीतर सिगरेट मिलने पर सीओसीटी ने संचालक को फटकार लगाते हुए कड़ी चेतावनी दी। इसी के साथ बरगद चौराहे पर भी पुलिस ने मॉडल शॉप पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान बिक्री रजिस्टर में कालम खाली करने पर दुकानदार को चेतावनी दी। बता दें कि रायबरेली में नशे के खिलाफ जारी अभियान के तहत अब तक 4 हुक्का बार समेत दर्जन भर दुकानों के खिलाफ कार्रवाई हुई। अंशु श्रीवास्तव, मंडल क्राइम ब्यूरो चीफ, लखनऊ। क्या कार्रवाई हुई है? शासन का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि कहीं भी उत्तर प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों का व्यापार नहीं किया जाए। कोई भी ऐसी गतिविधि जहां पर लाइसेंस भी है, ऐसी अवैध गतिविधि संचालित ना होने पाए जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी नशे के कारोबार में या नशे के सेवन में संलिप्त हो। इसी क्रम में निरंतर दुकानों की चेकिंग कराई जा रही है, होटल रेस्टोरेंट की चेकिंग कराई जा रही है और अभी 4 हुक्का बार अभी तक हमारे सर्कल में पकड़े जा चुके हैं। तो ये कार्रवाई छापेमारी की चेकिंग की लगातार चल रही है।